कांग्रेस के हारे चेहरों पर क्यों भरोसा जता रही भाजपा, एक्सपर्ट बोले लोकसभा की चुनौती खत्म कर रही, रेड जोन वाली सीटों को जीतने का प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेताओं का भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। हर दिन कोई ना कोई छोटा बड़ा नेता भाजपा ज्वाइन कर रहा है। इन नेताओं में सरपंच से लेकर पूर्व विधायक, सांसद और संगठन में सक्रिय नेता तक शामिल हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि पीएम मोदी और पार्टी की कार्यशैली से ये नेता प्रभावित होकर आ रहे हैं। वे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की ना तो कोई नीति है और ना ही नियत और ना ही कांग्रेस में कोई नेतृत्व बचा है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के इन दलीलों के बीच एक सवाल जरूर उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव में बंपर सीटें जीतने वाली भाजपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं को शामिल कर अब क्या हासिल करना चाहती है। साल 2020 में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 28 विधायकों का भाजपा में शामिल होना समझ आता है, तब प्रदेश की सत्ता हासिल करना मकसद था। लेकिन 2023 में भारी बहुमत हासिल करने वाली भाजपा कांग्रेस के नेताओं को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। इसके जरिए वह मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस को कमजोर करने के साथ लोकसभा चुनाव में रेड जोन वाली 5 सीटों पर जीत पक्की करना चाहती है। 5 सीटों पर भाजपा रेड जोन में, 5 पर विधानसभा में लीड कम हुई है। बुरी हार के बावजूद कांग्रेस भी 40% वोट लेने में सफल रही, जबकि 2019 लोकसभा में भाजपा को 58% और कांग्रेस को लगभग 34% वोट मिले थे। इस हिसाब से देखें तो भाजपा के मतों में 10% की गिरावट आई है, वहीं कांग्रेस 6% वोट बढ़ाने में सफल रही है। कांग्रेस ने भाजपा की तुलना में विधानसभा के नतीजों के मुताबिक छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और मंडला लोकसभा सीटों पर लीड बढ़ाई है। वहीं टीकमगढ़, बालाघाट, धार, खरगोन और रतलाम सीटों पर भाजपा की लोकसभा 2019 की तुलना में लीड कम हो गई है। मतलब कि भाजपा दल बदल के माध्यम से इन 10 सीटों पर अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी ऐसी ही बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।